congratulations. And thank you, sir. Responsible. What do you want to say about it? Actually, just अभी तो मुझे digest कर नहीं पाया हूँ. जो रिस्पांस मिला है, ऑफ कोर्स वी वर थिंकिंग कि रिस्पांस अच्छा मिलेगा, बट जो रिस्पांस मिला है वी आर वेरी हैप्पी एंड आई एम स्टिल एबल टू, वहाँ से अभी तक बाहर आया नहीं हूँ. आई थिंक इट विल टेक ऑलमोस्ट अ फ्यू डेज टू जस्ट कम आउट. ओके, ये स्टोरी फोर जो है वो नेक्स्ट ईयर एंड में हम लोग शुरू करेंगे, बिकॉज जैसे जो सक्सेस जो अब जो आपने अभी जो पूछा, आई ऑल्सो नीड सम टाइम टू डाइजेस्ट, तो वैसे ही लोगों को भी कुछ टाइम चाहिए जितना दिखाया उनको डाइजेस्ट करने के लिए. बट नेक्स्ट स्टोरी फोर विल बी लाइक समथिंग न्यू फॉर देम एंड इट विल बी न्यू फॉर मी ऑल्सो डू दैट काइंड ऑफ फिल्म, बिकॉज इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर मी कि जो उन लोगों ने पसंद किया है उससे कहीं ज़्यादा और स्टोरी वाइज परफॉर्मेंस वाइज में लेके आऊँ. सी एक्चुअली मैं बताऊँ, बॉलीवुड में टोटल सिर्फ 10 स्टोरी घूम रही है, चाहे 1 से 10 करो फिर 2 से 8 करते हैं, 8 को 1 से कंपेयर कर, मतलब वो लोग मिक्स ये करते हैं. आई थिंक देयर आर ओनली 10 स्टोरीज और उसमें हम नयापन कैसे दिखाएं वही हर एक स्टोरी में होता है. अदर देन दैट आप हर एक मूवी में कोई ना कोई तो सिमिलरिटी मिलेगी, या कोई पहले की मूवी से या कोई दूसरी मूवी से. सो अगर आप ये बोल रहे हो तो आई थिंक हो सकता है, बट आई थिंक द जो लोगों को पसंद आ रहा है द रीज़न इज कुछ नयापन से दिखाया है. सी जो कंटेंट की बात करें, आई थिंक मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपसे सुन रहा हूँ कि कंटेंट नहीं था. अगर कंटेंट नहीं होता तो आई थिंक जो एक हफ्ते से चल रही है और हम जो सक्सेस पार्टी बना रहे हैं वो आई थिंक नहीं होती. तो कंटेंट तो फॉर श्योर था, तो बट रही और ये भी मैं आपने जो बोला वो अगले बार आपको बोलने का मौका ना दूँ वो पक्का करूँगा. एक्सपेक्टेशन तो थी, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं था, बिकॉज इतना पता, बिकॉज जब आपके अच्छे एक्टर आते हैं, अच्छी स्टोरी थी, अच्छे गाने थे, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी भूषण कुमार की. जब मिस्टर भूषण कुमार बैकिंग हो तो मतलब आई थिंक द पैकेज द प्रोडक्शन द सॉन्ग इज लाइक समवेयर एल्स. लक फैक्टर और सबसे बड़ा हाथ मेरा ही है, क्योंकि हिस्ट्री 2 भी मैंने की थी और 3 भी मैंने की थी, तो वो लक फैक्टर मैं ही और भूषण कुमार. यस, वी आर फीलिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड वेरी हैप्पी दिस काइंड ऑफ जॉनर विच इज वेरी स्पेसिफिक टू मास ऑडियंस हैज वर्क बिग टाइम, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नाउ हिस्ट्री 4. See, first of all, this film is not only erotic. I don't know if you have seen the film or not, but it's a thriller with a lot of story, and it's not a love story obviously, but it's a thriller with suspense and everything. Eroticism is just in the songs, and it's a story based film with a lot of songs. इतना नहीं सोचा था, बट सीइंग द वे द फ्रेंचाइजीज आर वर्किंग, लाइक रिसेंटली प्यार का पंचनामा हो बिग टाइम, सो वी आर हैविंग दैट एक्सपेक्टेशन कि इट विल वर्क बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइज एंड द कॉन्सेप्ट व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग. सी देखिए, ये आइडिया जब हम कोई पिक्चर डिज़ाइन करते हैं तब उसी टाइम फ्रेश आता है, तो इट डिपेंड्स अब इन फ्यूचर कौन से गाने होंगे जो हम रिक्रिएट करें. दिस वॉज एक्चुअली माई आइडिया, बिकॉज हमने लास्ट हिट स्टोरी में भी आज भी तुम पे हमने दया, सो वहीं से ये आइडिया जनरेट हुआ था कि जब हमने वहाँ पे ये आइडिया लगाया कि इसमें भी हमें वो एक USP को फॉलो करना चाहिए, दैट भी